विश्व बर्तन दिवस देश में सभी जगह मनाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या रहा? इसका मुख्य कारण यही है, जो हमारा आज का दिन है 26 जनवरी के रूप में जो मनाया जा रहा है, इस दिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान को लिखा था। जो संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जिस दिन हमें यह पता चला था कि आज से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें अपना अधिकार मिला था, जिसे 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। हमें बहुत हर्ष हुआ कि इस दिन हमें अपने अधिकार को प्राप्त किए सब लोग, और हमें खुशी भी है कि हमें अपने कानून को और अपने देश में क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सब हमें इसी आज के दिन में पता चला था। और हमें बहुत ही आज हर्ष हो रहा है कि और हमारे स्कूल में एचएल पब्लिक जो हमारा स्कूल है, यहाँ पर बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, इसी माध्यम से दिखाया जा रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। आज का जो मतलब मेन जो उद्देश्य है यही है कि हमें अपना जो संविधान है उसको हम हर्ष के साथ मना रहे हैं, और हमारा जो भारत देश है वह त्योहारों का देश भी माना जाता है, जिसके कारण हम लोग बहुत ज्यादा खुशी अनुभव कर रहे हैं। और मैं अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें कोई भी त्यौहार हो उसे एक हर्ष के साथ मनाना चाहिए, और ये तो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसे हमें और हर्ष के साथ मनाना चाहिए। सर, गणतंत्र दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? मैं एचएल पब्लिक स्कूल की तरफ से देशवासियों को, भारतवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो है देश में ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, और ये और मैं अपने एचएल पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, सभी भारतवासियों को। क्यों मनाया जाता है हर साल? ये हर साल इसलिए मनाया जाता है कि ये एक भारतीय पर्व है। भारत में 26 जनवरी के दिन ही पर्व मनाया जाता है, और भारतीय संविधान जो लागू हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, ये आज ही के दिन लागू किया गया था, इसीलिए गणतंत्र पर्व मनाया जाता है।